वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर डोमेन और फिर डोमेन के बाद रेंज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स अंडरवुड साइन एक्स माइनस अंडरवुड 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि ये कंप्लीट ग्रेटर, इसे मुझे पॉजिटिव या ग्रेटर जीरो लेना है, तो उस कंडीशन में हमारा जो साइन एक्स है वो ग्रेटर जीरो होना चाहिए। अब साइन ग्रेटर जीरो के लिए हमें, अब जब इसको साइन ग्रेटर जीरो लेंगे तो उसका ग्राफ हमको, साइन का ग्राफ हमें तो ये हमारा जीरो पर है, ये हमारा पाई पे, ये टू पाई पे, ये हमारा माइनस पाई पे और ये माइनस टू पाई पे। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, इफ एफ एक्स इफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल जीरो, तो इसके फैक्टर करने पर पाई माइनस एक्स पाई प्लस एक्स ग्रेटर जीरो। तो यहां पर ये एक्स माइनस में होना चाहिए, तो यदि मैं इसको एक्स माइनस पाई और इसको एक्स प्लस पाई करता हूं तो ये उस कंडीशन में लेस देन जीरो हो जाएगा। अब इसका हमारा, इसका ग्राफ हमारा जीरो प्लस फाइव और ये माइनस फाइव, तो ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये प्लस। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तो प्लस माइनस प्लस चलता है। तो अब हमारा जो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट है वो माइनस फाइव और प्लस फाइव लेस देन, यानी फाइव से लेस देन और माइनस फाइव से ग्रेटर। तो अब इन दोनों ग्राफ को यदि मैं मिक्स करता हूं, इन दोनों ग्राफ को मिक्स करता हूं, ओवरलैप करता हूं, तो हमारा जो माइनस फाइव है, फाइव की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है। तो माइनस फाइव हमारा सपोज करो यहां पर है और इसी तरह प्लस फाइव हमारा सपोज करो यहां पर है। तो अब जो हमारा ये माइनस फाइव और प्लस फाइव, अब इनके बीच बिटवीन आ जाता है हमारा ये, तो अब इसको हम ओवरलैपिंग करते हैं तो ये हुआ। अब ये फर्स्ट ग्राफ हमने साइन का बनाया, सेकंड ग्राफ हमने सेकंड डिग्री इक्वेशन का बनाया और फिर दोनों को मिक्स किया, ओवरलैपिंग कर दी दोनों को। अब हमारा जो डोमेन है, डोमेन है जो हमारा, तो डोमेन जो है हमारा माइनस पाई पाई माइनस पाई यूनियन जीरो पाई, तो ये हमारा इसका कंप्लीट डोमेन हुआ। फाइंड द डोमेन एफ एक्स इक्वल का, तो ये हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल अंडरवुड 2 माइनस साइन एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो डोमेन गिवन करने के लिए सबसे पहला काम 2 माइनस साइन एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। अब ये साइन में है, ये कोस में, तो कोस वाले को साइन के टर्म में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो, टू के अंदर मल्टीप्लाई टू माइनस साइन एक्स माइनस टू प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो, तो साइन एक्स कॉमन, तो टू साइन एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल जीरो। इफ लेट साइन एक्स इक्वल टी, तो देन टी टू साइन टी माइनस वन ग्रेटर इक्वल जीरो। तो इफ टी लेस देन जीरो और टू टी माइनस वन ग्रेटर जीरो, तो टी ग्रेटर इक्वल वन बाई टू। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं क्रिटिकल। तो ये हमने कोई एक लाइन, तो ये टी लेस देन इक्वल जीरो है और ये टी ग्रेटर इक्वल जीरो है, तो हम यहां पर टी इक्वल जीरो और टी इक्वल वन बाई टू, तो टी ग्रेटर वन है तो ये हमने ग्रेटर की तरफ, और टी हमारा लेस देन जीरो है तो ये लेस देन की तरफ। तो हमारा जो यहां पर पॉइंट डिनोटेड हो रहा है टी इक्वल जीरो लेस देन है और टी ग्रेटर इक्वल वन बाई टू है। अब हमने टी को क्या सपोज किया था, साइन टी टू साइन टी माइनस वन ग्रेटर इक्वल जीरो, तो इफ साइन साइन एक्स लेस देन लेस जीरो एंड साइन एक्स ग्रेटर इक्वल वन बाई टू। अब साइन का ग्राफ बनाते हैं, तो साइन का ग्राफ हमें मालूम ही है, तो साइन का ग्राफ इसी तरह ये नीचे से, तो ये हमारा जीरो पे है, ये हमारा पाई पे है, ये हमारा टू पाई पे है, ये हमारा माइनस पाई पे है, ये माइनस टू पाई पे है। अब टी जो वैल्यू होती है वन बाई टू वो साइन पाई बाई सिक्स की होती है। तो यहां पर हम अपनी तरफ से ये साइन पाई बाई सिक्स का है, तो इसी तरह यहां से यहां तक तो ये वाला पार्ट हमारा ओवरलैपिंग में आएगा। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू हुई इसमें, यानी यहां से यहां तक का पोर्शन, यहां से यहां तक का पोर्शन लेंगे इसमें पाई बाई सिक्स से। अब साइन की वैल्यू जो है पाई बाई सिक्स है, तो दूसरी वैल्यू वन बाई टू किसकी होगी, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमारा जो डोमेन होगा तो द कंप्लीट डोमेन वन बाई टू वैल्यू पाई बाई सिक्स की होती है, तो पाई बाई सिक्स और सेकंड क्वाड्रेंट्स में पाई पाई बाई सिक्स, तो क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर यहां से यहां तक ये वाला पार्ट भी इसमें आएगा, तो पाई से टू पाई, तो ये इसका कंप्लीट डोमेन है। डोमेन नंबर थर्ड, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स अंडर रूट लॉग वन बाई टू लॉग वन बाई थ्री लॉग एक्स बेस वन बाई फोर। तो इसका हमें डोमेन गिविंग करना है जहां ए की वैल्यू इफ ए लेस देन वन,
तो जब a लेस देन 1 होता है तो log x का जो हमारा ग्राफ होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर, ये मैंने सपोज x1 कर लिया और इसको सपोज x2 कर लिया, तो यहाँ पर हमारा x2 ग्रेटर 1 है, x2 ग्रेटर 1 है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट लॉग में है, तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो लॉग x2 बेस a, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लॉग x1 बेस a। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो लॉग तो ये हमारा ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। तो अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स बेस ए इक्वल एन, तो जब एक्सपोनेंशियल फार्मूला अप्लाई करते हैं तो एक्स इक्वल ए की पावर एन हो जाता है। तो इसको हम अब यहाँ पर जो ए है हमारा वन बाई टू है, तो जैसे इसको हम लॉग को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो लॉग वन बाई थ्री लॉग वन बाई फोर एक्स, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं एक्सपोनेंशियल लेने पर। तो लेस देन, तो यहाँ पर वन बाई टू की पावर जीरो और ये हमारा ग्रेटर जीरो हो जाएगा। तो किसी की भी पावर जीरो जो होती है वो वन होती है। अब फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटाएंगे यहां से, तो लॉग वन बाई फोर एक्स, तो ये साइन फिर चेंज हो जाएगा, तब हमारा यहाँ पे वन बाई टू की पावर जीरो यानी वन हो गया। तो यहाँ पर वन बाई थ्री की पावर वन हो जाएगी और ये भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर वन आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो ये लॉग फंक्शन है इसके बिटवीन हो जाएगा। अब एक बार फिर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स, फिर ये साइन चेंज होगा, तो वन बाई फोर की पावर वन बाई थ्री और यहाँ पर भी साइन हमारा चेंज हो जाएगा, वन बाई फोर आ जाएगा। अब जो हमारा एक्स का फंक्शन है इससे ग्रेटर है और इसके लेस देन इक्वल है, तो इसका जो डोमेन होगा हमारा वन बाई फोर, वन बाई फोर की पावर वन बाई थ्री, तो ये इसका डोमेन हो गया। तो इसमें हमें एक तो ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा, a लेस देन वन है तो ऊपर से नीचे की ओर आता है, प्लस इंफिनिटी से नीचे की ओर जाता है, और x2 हमारा ग्रेटर वन है, जैसे हम एक्सपोन्स लोग लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह जब भी एक्सपोनेंशियल लेंगे तो साइन चेंज करते रहेंगे, एक बार ग्रेटर लेस इसी तरह इस साइड में भी हम साइन चेंज करते रहेंगे। तो डोमेन हमारा वन बाई फोर, वन बाई फोर की पावर वन बाई थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम रेंज स्टार्ट करते हैं, तो रेंज स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले मेथड नंबर वन, इफ एक्स इन टर्म ऑफ वाई, जो हमारा एक्स टर्म है, एक्स का जो टर्म होगा वो वाई में कन्वर्ट करेंगे, एक्स इक्वल जी वाई, तो जो भी हमारा वाई इक्वल गिवन होगा हम उसको एक्स इक्वल के फॉर्म में लिखेंगे, फिर फाइंड द डोमेन ऑफ जी, फिर हम जी का डोमेन गिवन करेंगे, जो हमारा जी का डोमेन होगा वही हमारा सेम एक्स का डोमेन होगा, उसी को हम रेंज कह देंगे। फिर तो क्वेश्चन नंबर वन के जरिए इस मेथड को क्लियर करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ वाई इक्वल एफ एक्स अंडर रूट टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो सबसे पहले जो वाई होना चाहिए वो ग्रेटर इक्वल जीरो होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। अब
गिवन है हमें क्वेश्चन में y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग बी है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब जो y इक्वल है इसको मैं x के इक्वल लिखना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूं, तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में लाने पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, तो यहां से एक्स कॉमन लेने पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन। अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो x इक्वल 1। इसी तरह कोई भी रियल नंबर हम यहां पर रख सकते हैं, तो इसलिए हमारा जो y है वो बिलोंगिंग r है, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमारा जो भी डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन की हेल्प से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कहेंगे कि y बिलोंगिंग जो होगा, y का जो रिलेशन होगा वो 0 या 0 से मोर देन इन्फिनिटी से लेस देन, तो ये तो रेंज हमारा क्या हो गया इसका 0 और, तो यहां पर इक्वल भी है और इससे लेस देन होगा इन्फिनिटी से, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा रेंज हो गया। तो इसमें हमें करना क्या है मेथड नंबर 1 में, किसी भी तरह से जो y की टर्म है वो x इक्वल लिखनी है, फिर हमें ये देखना है जैसे डोमेन में हम ग्रेटर इक्वल 0 करते थे उस कंडीशन को क्लियर करना है, तो उसी कंडीशन के अनुसार हमारा कोई भी रियल नंबर यहाँ पर y को बिलोंग कर सकता है। यहाँ ग्रेटर इक्वल 0 था तो इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया, और बिलोंगिंग r क्योंकि हमारी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए इसलिए इन्फिनिटी से लेस देन गया, तो ये हमारी रेंज है। मेथड नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्म, एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर ए हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, लेस देन 1 या ग्रेटर 1। यदि इफ ए ग्रेटर 1 है तो देन हमारा जो ये पैराबोला टाइप की इक्वेशन होती है, तो हमारा ग्राफ उस समय ये बनेगा, यानी यहां से लेकर वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसी तरह ए लेस देन 1 है तो देन ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा और माइनस इन्फिनिटी से ऊपर की ओर जाएगा, तो इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, वेयर डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमें जो यहाँ पर रेंज गिवन करनी है उसके लिए हम y यूज करेंगे, यानी माइनस डी अपॉन 4a करेंगे, तो ये फार्मूला हमको लर्न करना पड़ेगा रेंज गिवन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इक्वल टू b इक्वल माइनस 6 c इक्वल 5, इफ a ग्रेटर 2 देन, तो यहां पर a ग्रेटर 2 है, तो जब a ग्रेटर 2 है तो यहां पर हमें इस चीज का फोकस करना पड़ेगा जो मैंने ग्राफ बताया था,
तो उस टाइप के ग्राफ पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इसके लिए ग्राफ। अब जो हमें इसकी रेंज निकालनी है उसके लिए डी यानी डी इक्वल हमारा जो रेंज है माइनस का डी अपॉन 4a है, वेयर डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a, a यानी 2 और c हमारा 5 अपॉन 4a, 4 इंटू 2, तो माइनस 36 माइनस के 40 अपॉन 8। तो यहां से माइनस का 4 अपॉन 8 तो यानी 1/2 आ गया। अब जो हमारा ये 1/2 आया तो रेंज मैंने बताई थी कहाँ तक जाता है, वो इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसका जो हमारा रेंज हो गया 1/2 से इन्फिनिटी तक, 1/2 से इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो हमें डी वैल्यू को फिर 4a से डिवाइड करना है। डी जो है हमारा ये कंप्लीट वैल्यू जो है ये माइनस की है, तो हमें क्वाड्रेटिक में a b c की वैल्यू हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से गिविंग की, फिर इस फार्मूले में अप्लाई किया, जो हमारी जो वैल्यू आई 1/2, तो ये 1/2 के इक्वल या उससे मोर देन और इससे लेस देन है। तो ये हमारी इसकी रेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पेयर एक्स बिलोंगिंग आर। तो सबसे पहले रेंज गिवन करने के लिए इफ एफ एक्स इक्वल वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 कंप्लीट लेफ्ट साइड में। तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन तो वाई माइनस 1 प्लस एक्स कॉमन तो वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। तब हमारा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में a इक्वल वाई माइनस 1 b इक्वल y माइनस 1 एंड c इक्वल y माइनस 2 रेंज गिविन करने के लिए माइनस d अपॉन 4a ग्रेटर इक्वल 0। तो इसको हम माइनस d यानी d ग्रेटर इक्वल 0। अब d की वैल्यू गिविन करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। अब बी स्क्वायर हमारा यहाँ पर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a वाई माइनस 1 और c हमारा वाई माइनस 2 ग्रेटर 0। इस कंप्लीट में से वाई माइनस 1 कॉमन तो वाई माइनस 1 माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 8 ग्रेटर इक्वल 0। तो y माइनस 1 8 y माइनस 1 ये 4y होगा बेटा। तब ये हमारा प्लस का 7 और माइनस का 3y ग्रेटर इक्वल 0।
तो यहां से माइनस कॉमन लेने पर तो वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस सेवन, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये लेस देन जीरो। तो अब इफ वाई लेस देन वन या वाई लेस देन इक्वल सेवन वाई थ्री, अब इसके लिए ग्राफ यहां पर y हमारा 1 और y इक्वल 7 बाई 3, ये 7 बाई 3, तो ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस माइनस प्लस। अब जो हमारा ये हुआ, अब y लेस देन 1 और ये 7 बाई 3 है, तो जो इसका हमारा रेंज गिवन हुआ, रेंज तो 1 7 बाई 3, तो 7 बाई 3 लेस देन इक्वल है, तो यहां पर हम क्लोज्ड इंटरवल का साइन लगा देंगे, तो ये हमारी इसकी कंप्लीट रेंज हो गई। तो 1 से 7 बाई 3 के बिटवीन। बस बेटा आज के लिए इतना ही, ये होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल वाई अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। बेटा रेंज गिविन करने के लिए या डोमेन के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बट मेथड तो समझना होता है, उसके लिए प्रैक्टिस आप ही को करनी है। थैंक यू।